नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने राजभवन परिसर में बनवाया बर्ड वॉचिंग एरिया। कोंकण रेलवे ने पालकी के लिए अंडरपास का निर्माण किया। माधव अभयंकर ने मर्मगोवा नगर परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा समर्थित उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ने गांधी चौक मापसा में विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति ने सख्त प्रवर्तन गतिविधियां और निवारक प्रोटोकॉल जारी किए। प्रवासी मजदूर का मृत शरीर वेलसाव बीच पर पाया गया। केंद्र सरकार ने 2020 से 21 में स्थानीय निकायों को दिया 87,460 करोड़ रुपए का अनुदान। कोवैक्सीन की तीसरी डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल को DCGI ने दी मंजूरी। गुरुग्राम में भीषण आग से 700 झोपड़ियां जली। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती। यूपी में 4 IPS अफसरों में फेरबदल। ADG और DG हटे। CBCID में बड़ा उलटफेर। राष्ट्रपति कोविंद की सेहत में सुधार। ICU से शिफ्ट किए गए। गोल्डन जुबली होटल्स मामले में हैदराबाद और दिल्ली के 4 ठिकानों पर CBI का तलाशी अभियान। कोरोना कहर के बावजूद इस सप्ताह शेयर बाजार में दिखी बहार। 2% चढ़े सेंसेक्स और निफ्टी। दिल्ली कैपिटल्स ने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी की।